नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, दिल्ली में 18वीं लोकसभा का संसद सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान देश के तमाम नव निर्वाचित सांसद एक एक कर अपने पद की शपथ ले रहे हैं। सांसदों की लंबी फेरिस्त है, जिन्होंने पहली बार बतौर सांसद लोकतंत्र के मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन प्रदेशवासियों की नजर सूबे से चुने गए सांसदों पर टिकी है। इन्हीं में से एक नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण का, जो पहली बार सांसद चुने गए हैं। और संसद पहुंचने पर पहले ही दिन चंद्रशेखर आजाद ने हुंकार भरी और अपने विरोधियों को सीधा संदेश देते हुए नजर आए। आगे का क्या है मामला, देखिए रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र का कार्यकाल आज से शुरू हो गया। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर कई सांसदों का शपथ ग्रहण कराया। शपथ ग्रहण का सिलसिला 2 दिनों तक चलेगा। लेकिन पहली बार संसद पहुंचे आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। पहले ही दिन चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयानों से ये जाहिर कर दिया कि संसद पहुंचने का उनका मकसद क्या है। खुद को निष्पक्ष बताते हुए चंद्रशेखर आजाद ये दावा कर रहे हैं कि वो लोकतंत्र के मंदिर में कमजोरों की आवाज बनेंगे, जिनके साथ सालों से अन्याय होता आया है। नहीं, मौका अभी मिला नहीं, अभी तो मैं आया। जब मौका मिलेगा तो आपकी आवाज बहुत अच्छी रहेगी और ये आवाज हमेशा निष्पक्ष रहेगी और कमजोरों के लिए रहेगी। मैं उनकी आवाज हूँ जिनको इंसान भी नहीं माना गया है, जिनको जानवर मान के उनको तमाम तरह सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर कुचला गया। मैं उनकी आवाज हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चंद्रशेखर पार्लियामेंट में है, हर जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठेगी और सरकारों से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जो भी सरकार संविधान के विरुद्ध में जाके आम जनता के विरुद्ध में कोई भी काम करेगी, उनसे जवाब मांगा जाए। सुना आपने, चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वो उनकी आवाज है जिन्हें इंसान नहीं जानवर माना गया। खुद को एक जिम्मेदार नेता के तौर पर प्रस्तुत कर रहे चंद्रशेखर आजाद ने संसद को विपक्ष का भी घर बताया और संसद सत्र का समय बढ़ाने की भी मांग की सदन के माध्यम से ही, कि वो सेशन का समय बढ़ाए, जिससे कि क्योंकि बहुत बड़ी लोकसभाएं होती है, बहुत मुद्दे होते हैं, उन पर चर्चा करने का अवसर मिले। ये सत्ता के साथ साथ विपक्ष का भी घर है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। तो सत्ता पक्ष जो है सिर्फ अपने लोकसभा अपने लोकसभा सांसदों के बारे में ना सोचे, उनके क्षेत्रों के, तो विपक्ष को जो जहां जीत का है उसके उनके बारे में सोचना है। मेरे जैसे लोग व्यक्ति के क्षेत्र के बारे में सोचना चाहिए, वहां जो स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बने, वहां रोजगार की जो समस्या उसका निदान हो, वहां बिजली पानी की अच्छी व्यवस्थाएं, सड़कें अच्छी बने, वहां बाढ़ की समस्या खत्म हो और जो भी बुनियादी समस्या जीवन में लोगों के हैं, कुटीर उद्योग लग के महिलाओं को रोजगार मिले, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके लिए हम सदन में पर्याप्त समय के लिए अध्यक्ष जी से मांग करें। संसद पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर भी निशाना साधा और खुद को कानून का सिपाही बताया। चंद्रशेखर आजाद की माने तो जो अच्छा होगा वो उसकी समीक्षा करेंगे और फिर तय करेंगे कि उसका समर्थन करना है या फिर नहीं। मैंने आपसे फिर मैंने सरकार की बात ही नहीं है ना, बात कानून की है। कानून अगर अच्छा होगा तो उसका कोई विरोध नहीं करेगा, और कानून अगर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या आर्थिक आधार पर भेदभाव करेगा तो उसका विरोध होगा। संविधान की संवैधानिक जो है मर्यादा में रहकर हम लोग उसका विरोध करेंगे और यहाँ भी करेंगे और सड़कों पर भी करेंगे। अगर कुछ भी गलत होगा, अगर कुछ अच्छा होगा उसकी समीक्षा होगी और जो अच्छा होगा उसका कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन अगर कुछ गलत होगा तो उसका विरोध होगा। कुल मिलाकर चंद्रशेखर आजाद रावण अपने बयानों से देशवासियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। 18वीं लोकसभा में कई सांसद पहली बार संसद में आवाज उठाते नजर आएंगे। माना जाता है कि सियासत में युवाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी को दुरुस्त करने की बात चंद्रशेखर आजाद करते दिख रहे हैं। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि यूपी में 10 सीटों पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और चंद्रशेखर आजाद की नजर उपचुनाव पर टिकी है, इसलिए वो अपने बयानों से यूपी के युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि चंद्रशेखर आजाद रावण उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से बीजेपी के ओम कुमार को करीब 1,52,000 वोटों से हराकर संसद पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।